दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज पर। इस लॉकडाउन के चलते पुलिस अमला काफी सख्त नजर आ रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान मर्डर्स होते हैं, कत्ल होते हैं, कहां गायब हो जाती है पुलिस? क्यों उस वक्त सख्ती नहीं दिखाती है पुलिस? ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाओगे नाजरीन। आसिफ नगर पुलिस ने 1 घंटे के अंदर 100 बाइक जब्त किए। मौजूदा लोगों ने इसकी शिकायत AIMIM MLA महराज हुसैन को की कि आसिफ नगर पुलिस आम आवाम को हरासा कर रही है और गाड़ियां जब्त किए। A18 तेलंगाना न्यूज के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आवाम के बीच कंफ्यूजन था कि राहत का वक्त शाम 6 बजे तक है, लेकिन आज 9 जून है, कल 10 जून से राहत का वक्त 6 बजे तक है, और इसी गलत फहमी में लोग आज 9 जून को बाहर निकले शाम 6 बजे तक राहत का वक्त है समझकर। MLA महराज हुसैन ने चेक पोस्ट पर पहुंचकर तमाम गाड़ियां रिहा करवाए। आइए देखते हैं सीनियर रिपोर्टर इमरान खान और कैमरामैन मोहम्मद शौकत की ये खास रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें। कुछ देर हो गई जिसमें 2 बजे से गलत है नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से कंप्लेंट आया कि रितु बाजार कने और पिलर नंबर 24 कने ट्रैफिक पुलिस जो आसिफ नगर की है इन लोगों पब्लिक को हरास कर रहे हैं। इमीडिएट मई और मेरे साथ में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के कारपोरेटर्स मौजूद हुए। रेतु बाजार करने से साहब पूरे लोगों को जितनों की गाड़ियां पकड़े थे उनको छोड़ा दिए। 24 नंबर पिलर पे आके जब यहां पे देखे तो हम लोग यहां पे कम से कम 101 लोगों को ज़बरदस्ती हरासमेंट कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग हॉस्पिटल को ब्लड देने जा रहे थे उनका ने प्रिस्क्रिप्शन था, कुछ लोगों के ने तमाम डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी ये जो ट्रैफिक आसिफ नगर की जो हरासमेंट थी, जिसके लिए मैं यहाँ पर खुद आकर ठहर कर सबको दिलाया तो पूरे गाड़ियाँ रिलीज कराए हमने। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात कि जो पुलिस है हैदराबाद की पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम देखते हुए काम करिए। जिस अंदाज से आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल हरगिज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से 3 या 4 मरतबा बात करना पड़ा है गाड़ियाँ छुड़ाने के लिए। क्या हर चीज़ को कमिश्नर से थोड़ा ही बात करना पड़ेगा? यहाँ के ट्रैफिक के चाहे वो SI हो या CI हो, ये लोगों की जो जुल्म ज्यादती है आज के बाद से ये बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कल से लॉकडाउन का टाइम 5 बजे तक है, आप जहाँ तक हो सके 5:30 तक अपने घर को पहुँच जाइए। 1 घंटे का आपका जो ग्रेस पीरियड दिया गया है ये जो ट्रैफिक जाम होती है इसके लिए, अगर मेरी फिर एक मरतबा आप लोगों से दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आप लोगों के दरमियान में रहेगी, जो भी ऐसे वाकयात होंगे उसको हम लोग खुद आगे बढ़ के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Parthasarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University, latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for
degree students, BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students, MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET. MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular, 100% Scholarship Assistance, Transport Facility Available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.